सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे पेयजल संबंधी विषय पर चर्चा करने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, अभी यमुना जल समझौता पर लक्ष्मणगढ़ से आए विधायक, अन्य माननीय मंडावा से आए विधायक, माननीय शिखर से आए विधायक चर्चा कर रहे थे, तो मैंने भी इस समझौते के बारे में पढ़ा। जब मैंने इसका देखा कि 577 MCM पानी देने का इसमें समझौता हुआ है, तो 577 MCM का मैंने हिसाब लगाया। मैंने कहा ये कितना पानी होता है, तो मैंने अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि 20,376 MCFT पानी होता है। तो मैंने कैलकुलेशन देखा कि हमारे जवाई बांध का 3 गुना, एक जवाई बांध 7200 MCFT और 3 गुना पानी खाली इस समझौता के तहत इस यमुना जल समझौते के तहत मिल रहा है। मैंने ये भी पता किया कि अगर सिंचाई करनी हो तो कितनी कर सकते हैं इस पानी से, तो इसमें पता चला कि 8,15,000 हेक्टर जमीन की सिंचाई कर सकते हैं। और मैंने कहा पीने का अगर देने पड़े पानी प्रतिदिन तो कितने आबादी पानी पी सकती है, तो करीब 2,15,00,000 आबादी पानी पी सकती है खाली यमुना समझौते से। तो माननीय मैं मुख्यमंत्री जी को खूब खूब धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक शानदार तरीके का एक समझौता किया है हरियाणा वाला। ये खाली सदन को गुमराह करने के लिए किसी भी सदन में विषय नहीं उठाना चाहिए। इसके जो समझौता के तहत जो बातें हुई है और इस विषय जो अपने बजट घोषणा में हुआ है उसकी भी चर्चा हमें समय पर करनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा ने भी इसकी चर्चा अपने बजट में की है, भले वो छोटे से शब्दों में की हो, लंबे शब्दों में। अपने राजस्थान का बजट होता तो लंबे में करेंगे, हरियाणा की अगर बात है तो छोटे में कहेंगे हमने राजस्थान से समझौता किया। दूसरी बात ERCP की मैं बात करता हूं। चुनाव से पहले माननीय जो अभी विपक्ष में बैठे, जो सत्ता पक्ष में थे, मोदी जी ERCP की घोषणा नहीं कर रहे, ये समझौता नहीं हो रहा है। जब माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने ERCP समझौता किया और 21 जिलों के लिए जब पानी की व्यवस्था की, और ये जो व्यवस्था करने के लिए जो सोच रहे हैं, इतना बड़ा काम जो करने का जो काम कर रहे हैं, इसका धन्यवाद तो देना अलग रहा। और इसी पर आप राजनीति कर रहे हैं और कहते हैं कि हम राजनीति नहीं करते। जब पेयजल के लिए इतना बड़ा ERCP जितना बड़ा समझौता हुआ है तो इसका धन्यवाद देना चाहिए। कुछ कमियां अगर है तो बताएं आप। जब उस दिन मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप बताओ ना, आपने कुछ किया हो, आपने कुछ MOU बनाया हो तो वो बताएं, हम उसमें कमियां रखी है तो हमें बता दें। आप बताते नहीं हो, खाली इस सदन में बोलने का काम करते हो और विषय खाली इसमें सनसनी फैलाने की चर्चा करते हो। इसके लिए मैं इस मेरे माध्यम से कहना चाहूँगा कि ऐसी चर्चा न करें। माननीय सभापति महोदय, मैं जालौर जिले की बात करूँगा। जालौर जिले में 3 प्रोजेक्ट चलते जल जीवन मिशन के। मैं सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने पूरे देश में एक बात रखी कि नहीं, पानी पेयजल के लिए सबके पास जाना चाहिए, सबको पानी मिलना चाहिए। इसके लिए हर घर नल कैसे पहुंचे, जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान में भी व्यवस्था करी, उसके तहत जालौर जिले में भी ER प्रोजेक्ट, FR प्रोजेक्ट और DR प्रोजेक्ट 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसमें मैं माननीय सभापति महोदय आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो ER का काम है और FR का जो क्लस्टर की है वो बहुत धीमी गति से चल रहा है। पिछले 5 वर्षों में तो बहुत धीमी गति से चल ही रहा है, लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि इस FR और ER प्रोजेक्ट का काम शीघ्र पूरा कराए, जिससे हमारे क्षेत्र में हर घर पानी कैसे पहुँचे, इसकी एक बड़ी उपलब्धि होगी और जनता के बीच में अच्छा मैसेज भी जाएगा और जनता जो पेयजल की चिंता करते है उसका भी होगा समाधान। माननीय मंत्री जी, एक विषय और है, मैं सभापति के माध्यम से कहना चाहूँगा कि पेयजल के लिए केंद्र सरकार ने 50 लीटर का एक बताया कि एक 50 लीटर पानी प्रतिदिन व्यक्ति को देना चाहिए। अच्छी बात है माननीय सभापति महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि 50 लीटर तो किसी भी सूरत में पानी मिलना चाहिए, इसके लिए प्रावधान बना है। मैं राजस्थान की जल नीति के लिए भी बताना चाहूंगा कि 50 लीटर ग्रामीण अर्बन क्षेत्र में भी 50 लीटर है, और अर्बन में तो 135 लीटर और रूरल में है 50 लीटर। तो अब जब पहले की अलग विषय था, जब घर में व्यवस्था कम थी, गांवों में पानी की उपलब्धता थी, अब हमारे यहाँ जैसे राजस्थान के जालौर, सिरोही, बाड़मेर,
और बालोतरा जैसे जिलों को अगर देखें तो वहाँ पर भूजल है ही नहीं, और अगर हम 50 लीटर की बात करें तो वहाँ पशुपालकों के लिए जो पशु रखते हैं घर में उनके 50 लीटर से क्या होगा, पशुओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि पशुओं के लिए भी प्रावधान करें और ये 50 लीटर की जगह इसको भी गांवों में भी 135 लीटर की करने की आप इसका एक राजस्थान सरकार के द्वारा करवाएं, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि पानी अब सबके लिए इतना का इतनी खपत होती है, ऐसा नहीं कि शहरों में ज़्यादा खपत होती है और ग्रामीण में कम होती है, अब तो सभी सबके ऐसे कैसी आवश्यकता है सबके वहाँ भी मकान। उल्टा मैं तो ये कहूँगा कि शहरों में रहने वाले तो सिर्फ पति पत्नी आते हैं यहाँ पर और अपने दो बच्चों लेके आते, हम तो पूरा संयुक्त परिवार रहते, 15-15 लोग एक साथ में रहते, तो उनको तो पानी ज़्यादा चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि शहरों की अपेक्षा 135 अगर शहरों में दे रहे तो 150 लीटर देने की ऐसी आप अनुकंपा करावे ग्रामीण पर। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि आपने प्रत्येक विधानसभा में 20 हैंडपम्प और 10 ट्यूबवेल देने के लिए आपने चर्चा की है, इसके लिए तो धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि सोलर पंप की भी कुछ घोषणा करें आज, कि करीब 10 सोलर पंप प्रत्येक विधानसभा में करने की घोषणा करें, जिससे आने वाले समय में सोलर की भी व्यवस्था हो। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान, मैं सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के जो वित्त मंत्री जी का मैंने बजट पढ़ा, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो पानी के लिए राजस्थान की जनता के लिए जितनी बड़ी बड़ी योजनाएं लागू की है ये धरातल पर आएगी और राजस्थान निहाल होगा, कई लाखों हेक्टर पानी सिंचाई के लिए जाएगा। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, माननीय प्रतिपक्ष के नेताओं से भी कहना चाहूँगा कि कुछ अच्छी बातों का भी बात करें और सुझाव भी दें, इसलिए पेयजल पर चर्चा हो रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद भारत माता की।